क्योंकि इस सूबे का ये खान साहब ने इजाला बनाया है, मेरे पर इस सूबे की आवाम की और मेरे सूबे की हकूक की जिम्मेदारियाँ हैं। और फॉर्म 47 पे जो ये वज़ीर-ए-आला बना हुआ है, इस वक्त जाहिर बात है वो लीड कर रहा है, तो मेरे जो मामलात हैं उसी कैबिनेट से और इसी फेडरल गवर्नमेंट से ही हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कोई मुज़ाकरात की या मीडिएशन की, तो मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब ने खुद भी हमेशा कहा एक बात बारहा कहा कि मैं बातचीत करने को तैयार हूँ पाकिस्तान के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरी वजह से पाकिस्तान की तरक्की होती है मेरे हटने से, तो मैं हटने को भी तैयार हूँ। आपने बार बार देखा कि उन्होंने अपनी स्पीच में बार बार बताया, कौम को बताया, इदारों को बताया, जो कंसर्न लोग हैं उनको बताया। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पर जब प्लान बन जाते हैं, लंदन प्लान बन गया, कभी कोई प्लान बन गया, कभी कोई प्लान बन गया, उन प्लान के ऊपर जब मुल्क चलेगा और कुछ फर्द वाहिद इदारे नहीं, कुछ फर्द वाहिद जब अपनी जात के लिए अपनी डील के मुताबिक मुल्क को चलाएंगे, तो उसका ऐसा ही अंजाम होता है। बाकी इमरान खान की जो रिहाई की बात है, हम उसके लिए पूरी कोशिश कर भी रहे हैं, हम करेंगे भी सही। हमारी टीमें लगी हुई हैं, सारे जेली केसेस हैं, एक्सपोज हो रहा है ये निजाम, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह अल्हक इनको मजीद एक्सपोज करेगा, इतना एक्सपोज करेगा कि ये मुंह दिखाने के नहीं रहेंगे। इसलिए मैं इसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बजाय आप मुंह दिखाने के नहीं रहे, खैर है अपनी गलती मानकर और मजीद इस मुल्क को, इस मुल्क की आवाम को अंधेरों में ना धकेले। ओपन हो चुकी है कि उन्होंने खुद मान लिया कि जी हमने दबाव में आकर ये फैसले किए हैं, और ये फैसले किसके खिलाफ हुए? ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुए, ये इमरान खान के खिलाफ हुए, ये हमारे वोटर सपोर्टर हमारी लीडरशिप के खिलाफ हुए। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि मेरा मुख्तलिफ थानों में नाम है, तो मैं ये कहूँगा कि एक टाइम में 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर 9 मई को मैं मौजूद हूँ, 1 घंटे के अंदर मैंने उन 8 जिलों में कार्रवाइयाँ की। अब मेरे पास एक ऐसा F-16 तैयार था जो स्पीड F-16 की मार रहा था, उतर हेलीकॉप्टर की तरह रहा था। जो ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में अगर मेरे पास है तो मेरे को साबित कर ले। बाकी ये एक्सपोज हो चुके हैं, अब इनको समझ आ नहीं रही, और ये समझ रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह कि ये इस कौम को धोखा दे देंगे। मैं खान साहब की एक बात रिपीट करता हूँ, खान साहब ने कहा था नालायक भी हो और बेगैरत भी हो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और इनका बाद पॉलिटिकल कंसिडरेशन में नाम डाला गया, रावलपिंडी डिवीजन में जितने केसेस है किसी एक केस में भी CM साहब नामजद नहीं है। जहाँ तक आप बात करें मुशरफ बीबी की, देखिए कितनी घटी हरकत है कि जिस तरीके से एक इज्जत के निकाह वाले केस में मुशरफ बीबी के ऊपर सजा दी गई, शर्म आनी चाहिए। बहसियत एक कौम हम किसी के साथ बैठ के डिस्कस भी नहीं कर सकते कि हम इतने घटिया हो चुके हैं, हमारा निज़ाम इतना घटिया हो चुका है कि हम इस हद तक जा सकते हैं। दूसरी बात सेहत के हवाले से जो उनका आया था, हमने तो लेटर लिखा है इनको कि हमें तो इन पर एतमाद है नहीं, क्योंकि इनका पिछला रिकॉर्ड भी ऐसा है, और उसके बाद जिस तरीके से बैठे हुए हैं फॉर्म 47 के तहत एक जेली मैंडेट लेकर, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद होगी। तो हमने लेटर लिखा है KP गवर्नमेंट है कि बुशरा बीबी के चेकअप के लिए हमें इजाजत दी जाए ताकि अपनी टीम हम भेजें और हम चेकअप करें। इंशाल्लाह बुशरा बीबी भी इंशाल्लाह खान साहब की माशाल्लाह वाइफ है, उनका भी जज्बा और स्पिरिट जो है खान साहब की तरह है, जिस तरह खान साहब इंशाल्लाह डटे हुए हैं वो भी डटी हुई है इंशाल्लाह। मैं सुविधा कहूंगा कि थोड़ी शर्म कर लो, थोड़ी हया कर लो, और अपने आप को मजीद एक्सपोज, मैं वो लफ्ज़ कहता हूँ, अपने आप को मजीद नंगा ना करो। थैंक यू। मुलाकात का मैं तो हर वक्त चाहता हूँ कि मुलाकात मेरी होती रहे, इंशाल्लाह कह रहे हैं शायद काले परसों मुलाकात हो।